हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कट एंकल स्मैक एंड मूव्स की वीडियो आ चुकी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल और प्रेस द बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कट एंकल ले लूंगा मैं आपको बताने के लिए। सेटिंग्स ध्यान में रखना मैच रूल्स की। सो गाइस, अब कटिंगल के मूव्स पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे टॉप 5 बेस्ट मूव्स मैंने कटिंगल के निकाले हैं। सबसे पहले आप यूज एयरफोन का यूज कर लेना, और ताकि मेरी वॉइस आप तो ठीक से सुनाई दे और मैं इंस्ट्रक्शन को आप वैसे ही फॉलो करो, और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके वीडियो क्वालिटी हाई कर लो, जिस वजह से आपको मेरी वीडियो ठीक से दिखे। इसलिए वीडियो क्वालिटी हाई करना ताकि मेरे इंस्ट्रक्शन आप तक ठीक से पहुंचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेस्ट 5 मूव्स पहले मैं बता देता हूँ कट एंगल के। पहला मूव लेफ्ट एरो और सुप्लेक्स लगेगा इससे। देखो मैं बताता हूं, ये देखिए बैक सुप्लेक्स। कैसे लगाया मैंने, लेफ्ट एरो और या राइट एरो और से एक और बहुत शानदार मूव है दोस्तों। ये सब बेस्ट मूव निकाल रखे हैं मैंने, कुछ भी अलग मूव नहीं बताऊंगा। अब फ्रंट सुप्लेक्स में आपको बता दूं, लेफ्ट एरो ओरो और राइट एरो ओरो एक साथ। ये देखिए, अब एक और मूव की बात करते हैं पिन की, जिसमें पिन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऊपर एरो और नीचे वाला एरो और ओ, ये पिन ऑटोमेटिक गिरा देगा अभी। देखा, अब एक स्मैक का ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्मैक का ऑप्शन आ जाएगा मूव में ही, राइट एरो और ओ और ऊपर वाला एरो ओ। देखो स्मैक का ऑप्शन भी आएगा, ये देखो स्मैक का ऑप्शन आ रहा है। अब एक और पिन का ऑप्शन मैं बता देता हूँ, नीचे वाला एरो ओ और लेफ्ट वाला एरो ओ। पिन का ऑप्शन आएगा, ये ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं स्मैक की, तो कट एंगल की स्मैक सबसे अलग है। कट एंगल सामने तरफ स्मैक नहीं मारता है, फीडबैक स्मैक लगती है कट एंगल की। देखो मैं बता दूं, देखो सामने स्मैक का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, पीछे साइड लगती है और सामने किक मार के इसको पीछे जाना बहुत जल्दी है, तो ही स्मैक लगेगी। इसकी स्मैक फिर डिफिकल्ट है, देखो पिछता के स्मैक मारनी है। बैक स्मैक लगेगी, या खड़े करके पीछे से मार सकते हो, एक पंच मार के भी मार सकते हो। अभी प्लेयर थका नहीं, इसके लिए अभी वो हिल नहीं रहा है इसके लिए। अभी देखो मैं बताता हूँ, देखो ये वाला, अब ये देखो बैक स्मैक ऐसे लगती है। थोड़ी मुश्किल है कट एंगल की स्मैक लगाना, पर जब थक जाए उसके बाद आप लगत लगा सकते हो उसको उठा उठा के। कुछ नहीं करना, बस उसको उठाना है, एलोन दबाना है। अब बात करके दो स्मैक रहती है, एक गिवअप है, पैर के पास जाना एलोन दबा देना, ये गिवअप लग गया। तो गिव अप लग गया है कटिंग का, 3 गिव अप है। हाँ दोस्तों, 3 गिव अप, सबसे ज्यादा गिव अप है। देखो बताने वाला हूँ, एक ये वाला गिव अप बता दिया, एक ये वाला अभी बताता हूँ। सुला देने का और सिर के पास जाके लेफ्ट वाला एरो और ओ दबा देना है,
लेफ्ट वाला एरो और ओ। ब्रॉक लेसनर वाला ये पूरा ब्रॉक लेसनर भी इसी तरह से लगाता है। ब्रॉक लेसनर का भी सेम है यही वाला एरो लगा के आप लगा सकते हो। यह होगा गियोप, दूसरा गियोप हो गया। आप एक और तीसरा गियोप मैं बताता हूँ, तीन गियोप। हाँ दोस्तों तीन गियोप है, एक और तीसरा गियोप। अब ये देखो तीसरा गियोप दोस्तों, ऊपर वाला एरो और ओ, जब वो लेटा हुआ रहे तभी। सी के बाद जाके ऊपर वाला एरो और ओ, तो ये वाला गियोप लग जाएगा। और ये सुप्लेक्स बहुत लगाता है जी हाँ, ब्रॉक लेसनर जैसे सुप्लेक्स बहुत लगाता है ये। त्रिकोण और रोदा होगा सुप्लेक्स लगाएगा ब्रॉक लेसनर की तरह। अब एक लास्ट मूव मैं आपको बताता हूँ, सब प्लेयर का रहता है लेकिन मैंने हर वीडियो में बताया नहीं है। फर्स्ट वाली वीडियो देखना, उसमें पूरी डिस्ट्रक्शन मैंने दे रखी, इंस्ट्रक्शन के साथ पूरी WWE पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। अब याली में आपको यहाँ जैसे बाहर चले गया एक प्लेयर, अब इसके ऊपर कूदना कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। रनिंग लेनी है यहाँ से, रनिंग ली ये ऐसी रनिंग लेनी है त्रिकोण से, फिर से कूद जाना है। ये देखो दोस्तों पास में रहता तो इसके ऊपर ही गिरता। कैसे कूदना है मैं आपको पूरा धीरे से बताता हूँ, कैसे कूदना है। त्रिकोण चौकड़ी एक, इसकी वजह से आप नीचे कूदोगे। देखो त्रिकोण चौकड़ी एक, ये वापिस बताता हूँ मैं ठीक से। चलो दोस्तों अब यहाँ तक आओगे तो आपको त्रिकोण तक दबाना है, त्रिकोण दबाओगे यहाँ तक आओगे, उसके बाद चौकड़ी दबाना है, फिर यहाँ एंड टाइम पे आपको एक्स दबाना है तो कूदेगा ये त्रिकोण चौकड़ी एक्स। थोड़ी बार ट्राई करोगे तो दोस्तों आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब अगर प्लेयर आपका पास में खड़ा होगा यहाँ पे तो आपको पास में से भी कूद सकते हो, यही बटन आपको फास्ट दबाना है। ये देखो यहाँ यही बटन आपको फास्ट दबाना है। तो पूरा प्लेयर तक अपन जा रहे हैं, कैसे दबाया ये वाला मैंने वही करा, बस खड़े रह के दबाया इस बार मैंने। तो ये दबाया उसके बाद ये तुरंत आपको दोनों ये दोनों को एक साथ प्रेस करना है, बहुत फास्ट करना है दोस्तों। ये साथ में इसको प्रेस करना है दोनों को पास में खड़ा होता। अब ये देखे दोस्तों यह कितना परफेक्ट, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया है, इसमें भी बता दिया है मैंने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और अब तो रेगुलर वीडियो आ रही है तो सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो, रेगुलर वीडियो आ रही है दोस्तों, रेगुलर शुरू हो रही है भाई आज से, रेगुलर वीडियो आ रही है, शुरू कर दो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप देख रहे हैं अभी गेमिंग PS2।